हेलो स्टूडेंट, केएसएन केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। कल हमने प्रतिरोधों के संयोजन में श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ा था, आज हम समानता क्रम संयोजन को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपके सामने एक डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। डायग्राम बनाना कैसे है इसको आप देख लीजिए थोड़ा सा फिर से, ठीक है। देखिए, हमने क्या किया, तीन प्रतिरोध लिए, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ठीक है। मतलब तीन प्रतिरोध ले लिए, ठीक है, ऐसे। और तीनों प्रतिरोधों को एक बैटरी के माध्यम से जोड़ दिया और यहाँ पर एक कुंजी सी लगा दो, ठीक है। ये प्लस सिरा हो गया, ये माइनस सिरा हो गया। ये पहला प्रतिरोध R1, ये दूसरा प्रतिरोध R2 और ये तीसरा प्रतिरोध क्या होगा, R3 होगा। और इसमें जो धारा बह रही है वो I बह रही है, यानी पहले प्रतिरोध के लिए धारा क्या होगी, I1, दूसरे प्रतिरोध के लिए धारा क्या होगी, I2, और तीसरे प्रतिरोध के लिए धारा क्या होगी, I3। और जो विभवांतर है वो क्या है, V है, ठीक है। विभवांतर क्या है, V है, ठीक। यही डायग्राम है। तो चलिए आगे देखते हैं, ये डायग्राम है, देख लीजिए फिर से। ये पहला प्रतिरोध, ये दूसरा प्रतिरोध, ये तीसरा प्रतिरोध, धारा क्या है, पहले प्रतिरोध के लिए I1, दूसरे प्रतिरोध के लिए I2 और तीसरे प्रतिरोध के लिए I3। विभवांतर क्या है, V, और ये बैटरी है, ये प्लस सिरा, ये माइनस सिरा, ये क्या है, कुंजी, ठीक है। तो हमने क्या लिखा है, तीन प्रतिरोध R1, R2 व R3 हैं जिनको समांतर क्रम में जोड़ा गया है। यदि प्रतिरोधों R1, R2 व R3 के सिरों के बीच विभवांतर क्या है, V है, ठीक है, और सिरों के बीच धारा क्या है, I1, I2, I3 है, और इसमें विभवांतर क्या है, V है, तो ओम के नियमानुसार क्या है, V बटे I बराबर R होता है। तो हमने क्या किया है, इस I को R की जगह ले आए हैं, R को I की जगह ले आए हैं, तो I बराबर V बटे R, ठीक है। I को कहाँ ले आए, R की जगह, तो देखो यहाँ आ गया, और R कहाँ ले आए, I की जगह, तो यहाँ आ गया, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर पहले प्रतिरोध के लिए धारा क्या है, I1 है, पहले प्रतिरोध के लिए धारा क्या है, I1 है, और विभवांतर तो समान ही है, और पहला प्रतिरोध क्या है, R1, तो ये हो गया पहला समीकरण। अब दूसरे प्रतिरोध के लिए धारा क्या है, I2 है, विभवांतर समान है, और प्रतिरोध क्या है, R2, ठीक है। और तीसरे प्रतिरोध के लिए धारा क्या है, I3 है, तो I3 लिख लिया, विभवांतर V है, और प्रतिरोध क्या है, R3, ठीक है, ये हो गया, ओके। आगे देखिए, अब क्या करेंगे, तीन समीकरण हैं, इनको क्या करेंगे, तीनों समीकरणों को कल की तरह, तीनों समीकरण को जोड़ने पर, तो जोड़ दो, I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर V बटे R1 प्लस V बटे R2 प्लस V बटे R3। अब तीनों प्रतिरोधों के बीच धारा क्या है, I है, तो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। वहाँ विभवांतर क्या था, V था, तो वहाँ V1, V2, V3 लिख रहे थे कल वाले वीडियो में श्रेणी क्रम में, यहाँ क्या कर रहे हैं, I बराबर I1, I2, I3। तो I1, I2 और I3 के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर उठा के I रख सकते हैं, यानी I1, I2, I3 की जगह क्या रख दिया, अब I रख दें, तो I रख दिया, I बराबर, ठीक है। हमने क्या किया, I1, I2, I3 बराबर किसके, I के, तो ये उठा के इस जगह पर रख दिया, I1, I2, I3 के क्या जगह रख दिया, आई रख दिया। बाकी वैसे ही नोट कर लीजिए, वी बटे R1, वी बटे R2, वी बटे R3। अब तीनों में कॉमन देखिए आपको क्या मिल रहा है, इधर वी 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 कॉमन मिल रहा है, तो I बराबर V कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 1 बटे R1, 1 बटे R2, 1 बटे R3, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे
यहां पर ओम के नियमानुसार आपने पढ़ा है, ओम के नियम से क्या है, मैंने ऊपर लिखा था आई बराबर वी बटे आर, ये लिखा था। ये आई बराबर वी बटे जो आर है, इसी मान को इस आई की जगह रख दो, ठीक है। आई बराबर क्या था, वी बटे आर, तो आई की जगह क्या रख दोगे, वी बटे आर, तो रख दो भाई वी बटे आर को, तो रखो, तो वी बटे आर बराबर वी एक बटे आर वन प्लस एक बटे आर टू प्लस एक बटे आर थ्री। अब बराबर के इधर वी है और इधर भी वी है, तो कट गया, तो बचा क्या, एक बटे आर बराबर एक बटे आर वन एक बटे आर टू एक बटे आर थ्री, ठीक है। यही प्रूव करना था, ये समानता क्रम प्रतिरोध के लिए फार्मूला निकल के आया है, इसी पे चार नंबर के सवाल हाई स्कूल में आते हैं 100%, ठीक है। बस आपको ध्यान क्या रखना है, हमने किया क्या है कि यहाँ पर जो आई का मान है वो वी बटे आर रखना है, तो बस बाकी सब सेम लिखना है, ठीक है। तो यही चीज़ किया है, आई की जगह वी बटे आर रख दिया, वी से वी काट दिया, अब यहाँ एक बटे आर बराबर ये पूरा एक बटे आर वन प्लस एक बटे आर टू प्लस एक बटे आर थ्री, ठीक है, इतना किया। अगर आज आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।